खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आज नगर हाट पीपलिया में जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा लोकतंत्र बचाओ पद यात्रा, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी व सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह के मुख्य आतिथ्य में निकाली गयी। ये यात्रा स्थानीय देवगढ़ चौराहे से शुरू होकर बजरंग चौराहा महावीर मार्ग होती हुई गांधी चौक पर एक सभा के रूप में परिवर्तित हुई। इस सभा को मुख्य अतिथि के अलावा पूर्व विधायक ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल, पूर्व निगम अध्यक्ष शांतिलाल गामी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, देवास शहर अध्यक्ष मनोज राजानी, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व ब्लॉक प्रभारी मनीष चौधरी आदि नेताओं ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है और एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया और मध्य प्रदेश के उपचुनाव की आग में झोंक दिया गया। इसके लिए जिम्मेदारों को सबक सिखाना है और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस को विजय बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार को पुनः स्थापित करना है। मुख्य अतिथि व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल मेरे बेटे समान है, आप उसे चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजने का एक मौका जरूर दें। देखिए, आज सेवा दल ने हाट पिपलिया में लोकतंत्र बचाओ की रैली की और आपने देखा ही है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र बघेल जी, हमारे ज्ञान सिंह, हमारे दरबार जी, सारे हमारे इंदौर के, आगर के, सारे सेवा दल के, आपने देखा हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हैं। क्यों लोकतंत्र बचाओ? बहुत गंभीर विषय है। इस लोकतंत्र की स्थापना मूल्यों को लेकर की गई, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको रचा बनाया, आज एक एक करके उसकी दरिया मारी जा रही है। कैसा कानून है, मतलब ये इसकी प्रासंगिकता को लेकर, अभी शिक्षा में आपने देखा कि शिक्षा की कानून हमारा आया, किसानों को लेकर बिल आया, क्या करना चाहती है सरकार, कौन सा विपरीत है। इस देश की धड़कन गरीब किसान मजदूर जिसको 70 सालों से कांग्रेस ने संरक्षण दिया, उसे उचित मूल्य दर दिया, उसको कीमत दी, खाद पानी दी, उसको लोन दिया, बैंकों से उसके जोड़ा कनेक्ट किया, आम गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया, अरे क्या उसकी झज्जा उड़ रही, कहाँ जाएगा बात। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे बीच में है। क्या चुनाव की आवश्यकता थी? क्यों चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आवश्यकता थी इसकी? आखिर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, लोकतंत्र का आपने मजाक उड़ाया, नहीं उड़ाया आपने? जनता ने कांग्रेस का मत दिया, कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, ये बोझ किसके ऊपर डाला जाए? जो खर्च होंगे पैसे 28 विधानसभा क्षेत्र में जो खर्च होंगे, उसकी जवाबदारी किसकी है? ये इसी लोकतंत्र के लिए, इसी प्रकार के कारनामे करने के लिए अधिकृत किए गए थे। सर, जिस हाट पीपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।